नमस्कार, मैं कनक, आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर पर। आज हम INIFD के एक कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं, जहां पर बॉलीवुड के फेमस डिज़ाइनर एशले रिबेलो खास तौर से यहां पर आए हैं नए छात्रों को, यहां पास किए हुए छात्रों को सर्टिफिकेशन देने के लिए। तो हम आइए हम उनसे थोड़ा सा उनके एक्सपीरियंस के बारे में बात करते हैं, और चंडीगढ़ में कैसा उनका एक्सपीरियंस रहा, उनका बॉलीवुड में कैसा एक्सपीरियंस रहा, तो अभी हम करते हैं। सर, चंडीगढ़ का कैसा एक्सपीरियंस रहा, ये INIFD से आपको क्या उम्मीदें हैं, क्या लगता है कि बच्चों में कुछ टैलेंट है चंडीगढ़ का? INIFD मेरे बहुत करीब है, क्योंकि मैं पिछले 20 साल से उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ। यहाँ के स्टूडेंट्स, वेल, दिल्ली और चंडीगढ़, तो दे आर सो स्टाइलिश कि मैं क्या बताऊँ आपको, कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। पर मैं थोड़ा बहुत उनको प्रोत्साहन करता हूँ, मैं थोड़ा बहुत अपना विशेष टिप्पणी देता हूँ उनको, और जो भी अपने स्टाइल टिप्स देता हूँ, और एक इंडस्ट्री में कैसे आना है, किस तरीके से आपको क्या दिक्कतें होती हैं, ये सब जो है मैं थोड़ा बहुत एक छोटे से एक कैप्सूल लिटल इसमें डाल के मैं बता देता हूँ उनको। सर, आपने बॉलीवुड में हीरोइंस को भी स्टाइल्स दिए हैं, हीरो को भी दिए हैं, तो ज़्यादा इजी क्या रहता है, हीरोइन के लिए या हीरो के लिए? ज़्यादातर हीरोइन ज़्यादा इजी होते हैं, हीरोज़ के थोड़े बहुत ज़्यादा नखरे होते हैं। तो टफ़ ज़्यादा कौन सा हीरो रहा है, आमिर खान, सलमान खान? थोड़ा डिफ़िकल्ट है, पर है तो बहुत स्वीट, और सलमान तो सबसे कूल है, सबसे स्टाइलिश है। शाहिद कपूर भी बहुत स्वीट है, ऋतिक रोशन, तो सब अच्छे हैं। आपने हॉलीवुड में भी काम किया, हॉलीवुड में और बॉलीवुड में क्या थोड़ा सा डिफरेंस लगा आपको काम करने का? सिर्फ तरीका, एक तरीका जो है वो थोड़ा बहुत अलग होता है, पर क्योंकि उनका नज़रिया है देखने के लिए, काम को देखने के लिए थोड़ा अलग है हमसे। सर, आजकल टॉलीवुड जो है बॉलीवुड से बहुत आगे जा रहा है धीरे धीरे, तो उसमें क्या क्या रीज़न है कि टॉलीवुड थोड़ा पीछे, टॉलीवुड आगे आ गया, बॉलीवुड थोड़ा सा पीछे रह रहा है? आई फील कि उनका जो बिगनेस है, उनका जो एक्सपैंस है, उनका जो एक नयापन लेके आ रहा है, जो लोगों को अब भी जो है वो उनको कुछ एंटरटेनमेंट चाहिए, कि आप अलग अलग फिल्म्स हैं जो बनाते हैं लोग, पर अगर एंटरटेनमेंट नहीं है उसमें, तो लोगों को, वैसे भी तो पैंडमिक हुआ है, इतने सारे जो चीज़ें हुई हैं, उसको फिर आप एक डिप्रेसिंग पिक्चर लेके बैठेंगे तो फिर कैसे होगा? लोगों को अपना सब जो वरीज़ है वो छोड़ के आना है। तो अभी अपनी कौन से अपकमिंग प्रोजेक्ट आ रही हैं? अभी तो फ़िलहाल है Tiger 3 भाईजान सलमान के साथ, एक है पटना वर्सेस शुक्ला, एक है वो रवीना टंडन के साथ, एक है वीर सावरकर रणदीप हुडा के साथ, एक है बुलबुल मैरिज हॉल शर्मन जोशी और वलूशा के साथ। तो अभी जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं INIFD के साथ या नए डिज़ाइनर बनने के, उसमें उनके लिए कुछ टिप्स देना चाहेंगे आप? वेल, मैं तो हमेशा यही बोलता रहता हूँ कि आप मेहनत करो, क्योंकि आजकल के बच्चे जो इतने यूज़ हो गए कि वो इंस्टेंट सब कुछ, उनको इंस्टेंट मिलता है, चाहे वो फ़ोन पे, चाहे इंस्टाग्राम पे, चाहे वो कॉफ़ी शॉप हो, चाहे कॉफ़ी हो, कुछ भी हो, वो इंस्टेंट मिल जाता है। तो वो सोचते हैं कि ये भी मुझे फेम इंस्टेंट मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ती है सब चीज़ों में, चाहे कोई भी जॉब आप करेंगे। तो इम्पॉर्टेंट यही है कि आप थोड़ा बहुत ध्यान रखा करो, क्योंकि 5 साल अगर आप ध्यान रखेंगे फिर पूरे लाइफ ऐश कर सकते हैं। तो ये थे बॉलीवुड के मशहूर डिज़ाइनर एशले रिबेलो। मैं करमजीत सिंह, चंडीगढ़ से अर्थ प्रकाश रिपोर्ट के लिए। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश TV, और बेल आइकन दबाना ना भूलें।